स्कूल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक उन दोस्तों के लिए है जो फर्ज जमाबंदी, नकल ट्रेस, 7-12 पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किस तरीके से नकल जमाबंदी पढ़नी है, हिस्से कैसे निकालने हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। लेकिन ये वीडियो दो पोर्शन में बनेगी। आज जो पहला पोर्शन ये है कि पंजाब और हरियाणा में जो मेजरमेंट यूनिट यूज होते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी जो बात है, हमारे पास एकड़ आता है। एकड़ में मैंने इसको आगे उसको बता दिया कि 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं इसमें, 4046.86 स्क्वायर मीटर होते हैं, 43560 स्क्वायर फीट होते हैं। ये बड़ा यूनिट है यहाँ का, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेटों का। और ये जो एकड़ है ये सारे में ही चलता है, पूरे इंडिया में यही चलता है, स्टैंडर्ड एकड़ यही चलेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा में, इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा में इसके आगे जो छोटे यूनिट है वो छोटे होते जाते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में नहीं चलते। इसमें सबसे पहले बिघा बिसवा, जो ये मैंने लिखा है पक्का बिघा और कच्चा बिघा, जो स्टैंडर्ड एकड़ है हमारा, पंजाब का स्टैंडर्ड एकड़ है 4840 स्क्वायर यार्ड का, या इसको 36x22x40 बोलते हैं, 36x40 का किला बोलते हैं, तो वो 4840 स्क्वायर यार्ड का होता है। और उसके बाद फिर बिघे एक ये अपना पक्का बिघा है। पक्का बिघे का मतलब होता है 3025 स्क्वायर यार्ड। ये राजस्थान में अपने एक बिघा जो है अपने 3025 स्क्वायर यार्ड का है, वहां इसको शहनशाह जरीब बोलते हैं। ये शहनशाह जरीब का जो मेजरमेंट है 165x165 का होता है, ये भी नोट कर सकते हो आप, 165x165 का ये पक्का बिघा हो जाता है। तो पक्का बिघा लुधियाना में, फतेहगढ़ साहब में और कहीं और भी हो सकता पाया जाता हो, लेकिन लुधियाना और फतेहगढ़ साहब मेरे को 100% पता है, क्योंकि वहां की फर्दें मैंने पढ़ी हैं और वहां के मैंने हिस्से निकाले। ये पक्का बिघा मतलब पक्का बिघा 3025 गज का है, 27225 स्क्वायर फीट का है। 27225 को यदि हम 9 से डिवाइड कर लेंगे तो 3025 स्क्वायर यार्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर कच्चा बिघा, कच्चा बिघा 1008.33 का है। यदि हम एकड़ की बात करें, पंजाब में ज्यादातर बात ये करते हैं कि 4.5 बिघे का किला है या 4.5 बिघे का एकड़ है, वो 4.5 का नहीं दोस्तों, 4.80 का है। 4.80 कच्चे बिघे इज इक्वल टू 1 एकड़, मतलब एक बिघे में 1008.33 स्क्वायर यार्ड होंगे। और जो इसको अभी इसको 4.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके 4840 स्क्वायर यार्ड बनेगा। तो ये बात याद रखनी है आपने। पंजाब में दो तरीके के बिघे पाए जाते हैं, एक पक्का बिघा एक कच्चा बिघा। और ये मतलब एक एकड़ जो है इसमें 1.6 पक्का बिघा, 4.80 कच्चा बिघा और 96 बिस्वे होते हैं। एक बिस्वा जो है ये मैंने लिख दिया साथ साथ में 50.4166 स्क्वायर यार्ड का है। ज्यादातर लोग मानते हैं 50 गज का है, लेकिन यदि हमें अप टू मार्क जाना है तो 50.4166 से जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम 50 गज का बिस्वा मान ले तो 96 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 गज आएगा। मतलब एक एकड़ में 40 गज कम हो गए। ये कम नहीं करने हमने, इसको पूरा 4.4166 को मल्टीप्लाई करके 96 से यहां हम आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये मैंने 1 बिघा लिखा, कच्चा बिघा लिखा मैंने, इसका जो एरिया है 1008.33 स्क्वायर यार्ड होता है। और 1008.33 स्क्वायर यार्ड या 9075 स्क्वायर फीट होता है। और 20 बिस्वा एक बिघे में, जो 20 बिस्वा होता है, और एक बिस्वे का मैंने पहले लिख दिया, ये एक बिस्वे का एरिया इतना होता है 50.4166। जो बिस्वे से छोटी इकाई है, जो बिस्वे से छोटी, उसको बिस्वासी बोलते हैं। यहाँ पर पहले देख लेना, मैं विश्वासी बोलता हूं, कोई विश्वासी बोल देते हैं तो दोनों स्पेलिंग ठीक है। 20 विश्वासी, एक विश्वासी का जो एरिया होता है वो 2.522 स्क्वायर यार्ड होता है। सिंपल बात ये है, एकड़ में बिघे कितने हैं, पक्का बिघा 1.6, कच्चा बिघा 4.80,
और 296 एक बीघे का आगे जो मेजरमेंट है वो 1833 गज 9075 फीट और 20 बिस्वा एक बिस्वे में 50.41 और 20 बिस्वे में एक बिस्वासी है जो वो 2.522। यदि ये फर्द में आपके पास आ जाता है, जमाबंदी में आ जाता है, नकल ट्रेस में आ जाता है, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से, यदि आपको ये याद होगा जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, सिर्फ एक मिनट का काम है मेरे हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा आप इसको ट्राई करो, मतलब लिखने में 2-3-4 मिनट लगेंगे और याद करने में ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे में आपको सारी चीज याद हो जाएगी। और ये याद होने के बाद फिर आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हो, फर्ज जमाबंदी के हिस्से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, दो नंबर पर मैंने ये टेबल में लिखा है जो यही एकड़ में दूसरी यूनिट क्या चलती है, हमारे कनाल चलते हैं, इसको कनाल लिखा मैंने। एक कनाल होता है 605 स्क्वायर फीट का, यदि हम इसको स्क्वायर यार्ड का, यदि हम स्क्वायर फुट बनाने हो तो 605 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5445 स्क्वायर फीट बन जाते हैं। और एक जो एक एकड़ में 160 मरले होते हैं, ये मैंने लिखा है 160 मरले होते हैं, क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं और एक 20 मरले को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 160 मरला हो जाएगा और एक मरले का जो साइज है वो 30.25 स्क्वायर यार्ड है। जनरल प्रैक्टिस में 30 गज ही माना जाता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अप टू मार्क होनी चाहिए। अप टू मार्क का मतलब है 30.25 स्क्वायर यार्ड। यदि हम 160 को 30 से मल्टीप्लाई करें 30 से तो 4800 गज निकलेगा और यदि 30.25 से मल्टीप्लाई करें तो 4840 गज निकलेगा। सो हमने 4840 गज पूरे करने हैं, ना के 4800 गज पूरे करने, इसलिए हमें 30.25 स्क्वायर यार्ड का ही मरला मानना पड़ेगा। और मरले के आगे जो इसका छोटा यूनिट है सरसाई है, सरसाई होती है, एक सरसाई इज इक्वल टू 3.36 गज की एक सरसाई मानी जाती है और जो 9 सरसाइयों में एक मरला बन जाता है। 3.36 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 3611 को मल्टीप्लाई करोगे तो यह 30.25 स्क्वायर यार्ड बन जाएगा, लगभग बस आप बिल्कुल आसपास पहुंच जाएगा इसके, कोई हो सकता है पॉइंटों में कोई फर्क आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये सिंपल ये बात है, यदि आपको ये वीडियो के जरिए आपने फर्द जमाबंदी पढ़नी सीखनी है, 7 बारा सीखनी है और नकल पे सीखनी है, उसका मिलान करना सीखना है, तो आपको ये जो यूनिट मैंने लिखे हैं इसके ऊपर, इसका जो टेबल बनाया है, आपको 100% याद करना पड़ेगा। और याद करके इसका मतलब यह समझो रट्टा लगाना, इसमें आपको ऐसी कोई बात नहीं छोड़नी जो इसमें आपको ना पता हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों तक आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पॉइंट्स पता लग जाएंगे तो आप फर्द जमाबंदी निकालने में बहुत जल्द कामयाब हो सकते हो। सो ये याद रखना, यही हम करेंगे। तो इसी तरीके से सीखने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ये वैद्यनाथ का च्यवनप्राश है, तो आपने वैद्यनाथ का च्यवनप्राश खा के ये चीजें निकाल लेनी है। और जिस दिन ये चीजें आपके पास आ गई तो आपका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, रियल स्टेट बिजनेस करने के लिए आपको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। दोस्तों बहुत जल्द मैं दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूंगा, तब तक आप ये नोट करके इसको याद करो। अगला पार्ट है जो फर्द जमाबंदी को कैसे हिस्से निकालें वो बताता हूँ।